आज समाजवादी पार्टी के सभा कक्ष में आज मासिक बैठक हो रही थी। मासिक बैठक के बाद हमारे तमाम साथी पार्टी ज्वाइन किए, जिनकी मैं सूची लेकर के आपके सामने रखा हूं। और संख्या सूची के अलावा यह सूची तो शिवकुमार राजभर जी के साथ यह 34 लोग हैं, 36 लोग शिवकुमार राजभर जी हमारे सामने खड़े हैं और इनके साथ 36 लोग जो हैं वो पार्टी की सदस्यता समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भाई शिवकुमार राजभर सहित जितने साथी आए हैं, अभी इनका नाम मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, सभी साथियों को बधाई और धन्यवाद देते हुए इस आशा उम्मीद के साथ आज से आप समाजवादी पार्टी के कारवां के साथ लग करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करते हुए समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम करिएगा और समाजवादी पार्टी के नीति रीति से चल करके समाजवादी पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करिएगा। हमारे बीच में ये भाई बिरजू यादव जी प्रधान कमरवा कमथरी जो हमारे बीच में उपस्थित है, संघर्षशील साथी हैं, संघर्षों के साथी हैं और आज हमारी समाजवादी पार्टी की सदस्यता अपने तमाम कई साथी इनके साथ हैं, दर्जनों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। इनको और इनके साथ सदस्यता ग्रहण करने वाले साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन किया। मतलब क्या आपको सत्ता की लालच में आ पाए? सत्ता की लालच में नहीं आए इस पार्टी में, कम से कम हम संघ पहले से भी जुड़े थे, हमारा दिल दिमाग वही था लेकिन कहीं भाग गए थे, फिर अपने घर में आ गए, घर की वापसी हुई है। तो इस अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे? अरे हम कुछ क्या कहते हैं, अपने पार्टी के सारे कर्से के कार्यकर्ताओं को, अपने अध्यक्ष जी को, सारे लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से हम कर्से जो हमारी गलती हुई थी अब दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी, फिर से ये पार्टी को हम ज्वाइन किए हैं और इस तन मन धन से लग करके इस पार्टी को जिताने का काम किया जाए। बसपा पार्टी में देखा जाता है टिकट पे पैसे मांगने का आरोप लगा है, तो क्या इसकी हकीकत है आप बताइए? हकीकत तो ये लोग बताते हैं, जो लोग कर्से टिकट लेने के लिए जाते हैं, जो चाहे एमएलए का टिकट हो, चाहे एमपी का टिकट हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख जिला अध्यक्ष का टिकट हो, लेने के लिए जाते हैं वो लोग अक्सर करके आकर के हम लोगों के बीच में बताया करते हैं कि बिना वहाँ पूंजीपतियों वाला की ही सरकार है, वहाँ जिनके पास पूंजी है, जिनके पास पैसे उन्हीं का बोलबाला है और हमारे जैसे गरीब लोगों का कहाँ से वहाँ कैसे न कोई महत्व है न कोई वजूद है। आप देख रहे हैं कि समाजवादी में आजम खान साहब भी हैं जिनकी क्या स्थिति हो चुकी है, तो क्या आपको कहीं ये भय नहीं सता रहा कि आप समाजवादी में क्या तो भविष्य में आपके साथ भी समझ सकता है? जो संघर्षशील होता है उसको भय नहीं लगता है, जान लीजिए समाजवादी पार्टी में भय की क्या बात है, वो आज बता दें कि कल आने वाला समय में जो भी मुकदमा कल से द्वेष बस फंसाए गए हैं, जो लोग हमारे नेता फंसाए गए वो वापस कर लिया जाएगा। आज देख लीजिए चाहे जोगी के खिलाफ हो, चाहे ये जो मौर्या जी हम कल से मौर्या जी उप मुख्यमंत्री हैं, आज उनके खिलाफ भी कल से मुकदमा था वापस कर लिया गया। इसीलिए अभी आने वाला जो 2022 में जब सरकार बनेगी समाजवादियों की, जो फर्जी ढंग से मुकदमे में फंसाए गए वो वापस कर लिया।